नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार रोशनी दर्शन न्यूज़ चैनल से हिंदी भवन नई दिल्ली से हूँ। आज यहाँ पर एक साहित्यिक कार्यक्रम रखा गया है, पुस्तक का लोकार्पण। इस पुस्तक के लोकार्पण में हम लोगों ने सम्मिलित हुए, रोशनी दर्शन के सारे टीम यहाँ अवेलेबल है। आज हम इनका साक्षात्कार करेंगे और साथ में आए हुए लोगों का भी विचार जानेंगे। आज यहाँ अभिनंदन ग्रंथ का उद्घाटन हुआ है, उसमें हम उसके राइटर और देश के जाने माने एक साहित्यकार, न जाने उनके बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम है, वो हमारे साथ उपस्थित हैं। आज हम उनका विचार जानेंगे रोशनी दर्शन में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, सबसे पहले अपने जीवन का शुरुआत कैसे किए इसके बारे में संक्षिप्त में हमें बताएँ। शुरुआत हमारे यहाँ जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, उन्हीं से, वही मेरे गुरु रहे हैं। उन्हीं से हमने सीखा, मैंने लिखना पढ़ना जो भी सीखा है उन्हीं के समकक्ष में रहकर, मतलब कि रोज़ हम सुबह में 8 बजे सुबह चल जाते थे और 12 बजे लौटते थे, और वहाँ जो भी देखते थे कि बाकी दूरदर्शन से आ रहे हैं और जहाँ जहाँ से भी आए पत्रकार आ रहे हैं, सबका बात हम सुनते थे और देखते थे और देखकर अपना कलमबद्ध करते थे। यही शुरुआत है मेरा लिखने पढ़ने का है। हिंदी साहित्य आज के ज़माने में बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे में आप अपने आप को स्थापित कर लिए, इस पे किसका हाथ रहा इसके पीछे? और आप बिहार से आते हैं तो उस प्रदेश के बारे में थोड़ा बताएं कि उसका क्या योगदान रहा? बहुत लोगों का योगदान रहा, हमने जिनसे जिनसे भी मिले सब मेरे प्रेरणादायक रहे हैं। कुछ नाम बता पाएंगे जिनसे? एक दो नाम बताएं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक रहे। शास्त्री जी, जानकी वल्लभ शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद सिंह, जैसे बहुत कमलेश्वर जी, कई नाम हैं। सर, आपने बहुत सारे पुस्तक लिखा है और बहुत तरह के रचनाएं भी की हैं। आज आपका अभिनंदन ग्रंथ पर जो आपने लिखा, इसका नाम अभिनंदन क्यों रखा और ग्रंथ कैसे है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। अभिनंदन मैंने नाम नहीं रखा, मेरे जो शुभचिंतक हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने ये योजना बनाई कि यहाँ पर एक ग्रंथ निकलना चाहिए, अभिनंदन ग्रंथ। तो उनके सहयोग से ही अभिनंदन ग्रंथ बनी है। इस पुस्तक में आम आदमी के लिए क्या है, आम आदमी इस पुस्तक से क्या क्या सीख सकता है या इससे क्या उसको प्रेरणा मिल सकता है जीवन में, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मैंने समाज के लिए लिखा है, परिवार के लिए लिखा है, जो भी है प्रेरणादायक ही लिखा है, जो भी है ऐसा लिखा है कि जो प्रेरणा दे, प्रभावित करे। तो सर, ये कहीं आपका आत्मकथा तो नहीं है? नहीं, आत्मकथा नहीं, जो समाज में जो घटता है वही आदमी लिखता है। हमें ये बताएं कि यह पुस्तक आने वाला पीढ़ी को क्या क्या बताना चाहता है? बताएगा कि समाज में जो घटना हो रही है, जो ठीक नहीं है, उसका लोगों को ज्ञान मिलेगा। क्रिटिक्स बहुत होते हैं सर जी, बिना क्रिटिक्स के साहित्यकार को, आलोचकों के बिना आगे नहीं बढ़ता है जी। और निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए कहा गया है जी। तो आलोचकों के प्रति आपका कितना, अपने लाइफ में, हिंदी साहित्य के लाइफ में आपका आलोचकों का क्या योगदान रहा, वो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। आलोचकों का क्या ज्ञान रहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेखक स्वांत सुखाय लिखता है,
लेखक स्वांतोष सुखाय लिखता है, क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगा मैं इसके विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मैंने ये जो धर्म अभिनंदन ग्रंथ है 100-200 यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में मैंने डाल दिया है और वहाँ मूल्यांकन हो रहा है और फिर आगे देखा जाएगा। सर लगभग आप 33-34 रचनाएं अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं, अभी आने वाले निकट भविष्य में आपका किस तरह का प्लानिंग है, देखने को क्या क्या मिल सकता है, कुछ पाठक के हाथ में और क्या आ सकता है? और कहानी का संकलन नहीं समझ में आ सकता है और यही सब है। अंत में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य को अभी किस किस तरह की आवश्यकता है, युवाओं के लिए आप किस तरह के उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि युवा को और क्या क्या करना चाहिए ताकि हिंदी साहित्य हमारे पूरे विश्व में, न कि केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अपना ही झंडा गाड़े। तो हिंदी साहित्य के लिए क्या करे आने वाला युवा, क्या करे? हमारा JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एक से एक संस्थान है, उनको और क्या करना चाहिए, इसमें आपका क्या सजेशन है? हिंदी साहित्य पढ़नी चाहिए, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, पढ़नी चाहिए और उसे ज्ञान लेनी चाहिए, मेरा यही कहना है। तो हिंदी राष्ट्रमाता के रूप में कैसे स्थापित होगी? राष्ट्रभाषा तो स्थापित है, जन जन लोग पढ़ेंगे, हिंदी को महत्व देंगे, तभी राष्ट्रभाषा बन सकेगा। ऐसे तो लोग साउथ में भी हम देखते हैं कि लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहाँ तमिल तेलुगु ये सब बोलते हैं। तो यह कुछ मतलब कि क्या कहेंगे नेता लोग का ये सब इसमें। सर जैसे मैंने आपके बारे में देखा कि इस रचनाएं भोजपुरी में भी आई हैं। जी जी जी, भोजपुरी को अभी अष्टम सूची में जगह नहीं मिल पा रहा है जबकि हमारे मैथिली को मिल गया है। इसके लिए आप लोग साहित्य स्तर से, साहित्य जगत के स्तर से क्या प्रयास करेंगे सर कि ताकि भोजपुरी भी अष्टम सूची में आ सके? वो तो राजनीति का ही ढोसला है जो कि लोग दाव पेच है, राजनीति का दाव पेच है, नहीं तो भाषा जो होता है, हर कोई भाषा महत्वपूर्ण होता है, हर भाषा महत्वपूर्ण होता है और हर भाषा को लोग को महत्व देना चाहिए, लेकिन लोग महत्व नहीं देते हैं। आज देखिए मॉरिशस में, देखिए मॉरिशस में लोग भोजपुरी बोलते हैं और काफ़ी बोलते हैं वहाँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम है, तो इसको क्या कहिएगा आप? अब देखिए यहाँ इंग्लिश में लोग ज़्यादा प्रेशर देते हैं, बच्चे को इंग्लिश में इंग्लिश माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सब क्या है? ये सब यही है कि भाई आप हिंदी को आप प्रेशर नहीं दे रहे हैं, इससे क्या होगा? राष्ट्र जन जन में जब हिंदी विकसित नहीं होगा, लोग सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे राष्ट्रभाषा बनेगी? बन सकता है? तो हमारा नाम, हमारा देश का ही नाम हिंदुस्तान था। हाँ। और यहाँ पर हिंदी ना बोला जाए। हाँ। तो कैसे चलेगा? इसमें आप जो एक प्रयास किए हैं अभिनंदन ग्रंथ के माध्यम से, जी हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं सर आपको, जी, और दीर्घायु होने की भी कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आपके कलम से इस तरह के तरह तरह के रचनाएं समाज को प्रेरित करें। थैंक यू, बहुत बहुत आभार सर। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सूरज मृदुल, जिन्होंने अभिनंदन ग्रंथ का आज यहाँ पर समारोह में उपस्थित होकर के समय गण्यमान्य लोगों के साथ किए हैं, समाज के लिए बहुत ही एक उत्कृष्ट उदाहरण है, आने वाले समय में रोशनी दर्शन बहुत बहुत बधाई देती है, बहुत बहुत बधाई देती है।